नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्रिकेट के केसरी में। मैं हूं अभिनव। दुनिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हाल ही में आईपीएल सीजन 16 की ट्रॉफी उठाने के बाद अहमदाबाद से सीधे मुंबई रवाना हो गए थे। घुटने की चोट के कारण उन्हें पूरे सीजन के दौरान काफ़ी परेशानी हुई थी मैच खेलने में। इसी वजह से वो मुंबई पहुंचकर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में 31 मई की शाम को खुद को वहां एडमिट कर घुटने की सर्जरी करवाई। सर्जरी पूरी तरह से सफल रही है, तो आइए वीडियो के जरिए आपको बताते हैं माही के हेल्थ से रिलेटेड आगे की खबरें। दरअसल कोकिलाबेन हॉस्पिटल में कल एमएस धोनी के घुटने की सफल सर्जरी हुई, जिसे और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला ने किया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन डॉक्टर? दरअसल डॉक्टर दिनशॉ वही डॉक्टर है जिन्होंने एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत की भी सर्जरी की थी। वहीं सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने भी धोनी को लेकर अपडेट दिया है और कहा है कि उनकी ऑपरेशन के बाद माही से उनकी बात हुई थी और वो बिल्कुल ठीक हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ऑपरेशन के दौरान उनकी पत्नी साक्षी भी उनके साथ थी। वहीं एक्सपर्ट की माने तो धोनी को पूरी तरह से फिट होने में 2 महीने का समय लग सकता है। वहीं अगर वो 2 महीने या फिर 3 महीने में भी फिट हो जाते हैं तो हमें और क्रिकेट फैंस को वो अगले आईपीएल सीजन में खेलते भी देख सकते हैं। धोनी ने इस साल फाइनल जीतने के बाद कहा भी था कि अगर उनका शरीर साथ देता है तो फिर वो 1 साल और आईपीएल खेलते नजर आएंगे, जो कि उनके फैंस को उनकी तरफ से एक गिफ्ट होगा। धोनी इस साल पूरे सीजन के दौरान काफ़ी कष्ट में नजर आए पर हार नहीं मानी। उन्होंने अपने फैंस के लिए पूरे 16 मुकाबले खेले, हालांकि उन्हें प्यार भी खूब मिला। होम ग्राउंड हो या फिर अवे, हर जगह येलो जर्सी में ही लोग दिखते थे, जिसकी वजह सिर्फ धोनी थे। तो अब पूरी देश की दुआ उनके साथ है कि माही जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अगले साल एक बार फिर येलो जर्सी में अपनी टीम चेन्नई सुपर किंग्स को लीड करें। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी और भी अपडेट को जानने के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।